हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि वक्त बहुत कीमती होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, लॉ इज द स्लेव ऑफ द रिच, कानून अमीरों का गुलाम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दे देता हूँ, जैसे कि रेलवे हो गया दोस्तों, SSC, उसके बाद हो गया अभी बिहार पुलिस एंड सो ऑन, बहुत सारी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले दिनों में होने वाले हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने रीजनिंग के जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, और इस वीडियो में मैं वही 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूंगा, जो कि आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन के साथ, शुरुआत करते हैं दोस्तों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, 8, 17, 9, 21, 12, 27, 15, 36 और द नेक्स्ट वन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उसके जगह पे हमको नंबर फाइंड करना है कि कौन सा नंबर जो है क्वेश्चन मार्क के जगह पे होगा। तो काफी सिंपल है, मैं इसको बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। देख लीजिए, 8, 17, 9, तो हमें सिंपल ये 8 और 9 को आपस में ऐड कर देना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है, जिससे हमें बीच का नंबर जो है 17 मिल जाएगा। उसी तरह 9 और 12 को आपस में हम ऐड करेंगे तो बीच का नंबर 12, 9, 21 हो गया, तो बीच का नंबर हमें मिल गया। उसी तरह 12 और 15 को आपस में ऐड करेंगे तो बीच का नंबर हमें 27 मिल जाएगा। और उसी तरह 15 और क्वेश्चन मार्क की जगह पर मान लीजिए जो नंबर है वो एक्स है, तो 15 और x को ऐड करेंगे तो बीच का नंबर है 36, तो हमें फाइंड करना है, तो x हमें फाइंड करना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 15 उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, तो 36 - 15 हो गया 21। तो x के जगह पर जो हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, वो आंसर हो गया 21। दो नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है हमारा, MAN मैन इक्वल्स टू दिया हुआ है 30, ठीक है, और बैंक मैन इक्वल टू दिया हुआ है 30 और CELL सेल इक्वल टू है 34, तो BAN के बैंक इक्वल टू बराबर बैंक बराबर क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क बैंक बराबर क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों, मैन बराबर 30 कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं अल्फाबेट के टोटल 26 लेटर लिख देता हूँ, उससे बहुत ही आसानी होगी आप लोगों को समझाने में। तो अल्फाबेट के टोटल 26 लेटर हैं, ABCDEF GH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, तो मैंने टोटल 26 लेटर्स जो है अल्फाबेट के वो लिख दिए हैं। अब देखिए मैन इक्वल्स टू 30 कैसे होगा, तो एम देख लेते हैं कौन से नंबर पे, 2, 2, 4, 6, 8, तो 10, 2, 12, 13, एम जो है 13 नंबर पे, उसमें ए है 1 नंबर पे, तो 13 + 1 और एन है हमारा 13 पे नंबर पे, एम है तो एन है हमारा 14 नंबर पे। तो देख लीजिए, तो तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13, 1, 14, 14, 14, 28, तो हमें प्राप्त करना है 30, तो 28 से हमें मिल रहा है, तो उसमें हम अपने तरफ से जो है 2 को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 30। इसी तरह हम तीनों में 2 को अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सेल को देख लीजिए, सेल में सी जो है 3 नंबर पे है और ई है 5 नंबर पे और एल है हमारा 12 नंबर पे, एल हो गया हमारा 12 नंबर पे, तो 2 डबल L है तो 12 × 2 = 24 हो गया, 24 + 5 = 29 + 3 = 32, तो हमें प्राप्त करना है 34, तो उसमें हम 2 अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो 34 हमें मिल गया, 34 हमें मिल गया। तो ठीक उसी तरह से सेल बैंक बराबर क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, तो बैंक में बी जो है हमारा 2 नंबर पे है, ए है हमारा 1 नंबर पे, 2 + 1 और एन है हमारा 14 नंबर पे और के है हमारा क्या है, के है 11 नंबर पे,
इन चारों को आपस में ऐड करेंगे तो 2 + 1 = 3 और 14 × 3 = 17 और 11 = 17, 11 = 28 हो गया। 28 में हम अपनी तरफ से दो को, दोनों में अपनी तरफ से मैन और सेल में अपनी तरफ से दो को ऐड किए थे, तो बैंक में भी हम दो को अपनी तरफ से ऐड करेंगे, तो 28 + 2 तो बैंक इक्वल टू हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के जगह पर बैंक इक्वल टू हमारा आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, बैंक बराबर 30। चलिए तीन नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये बीच का नंबर दिया हुआ है हमें 169 और चारों साइड का नंबर दिया हुआ है 7, 3, 2 और 1, ये चारों साइड का नंबर और बीच का नंबर है 169। इसी तरह दूसरा फिगर है उसमें बीच का नंबर है 121 और साइड नंबर है 5, 3, 2, 1 और इसमें जो है हमें बीच का नंबर फाइंड करना है। ठीक है, इसमें बीच का नंबर दिया नहीं गया और चारों साइड का नंबर है 6, 5, 4 और 1, इसमें चारों साइड का नंबर है 6, 5, 4, 1 और बीच का नंबर हमें सिंपली रूप से फाइंड करना है। तो देखिए कैसे बनेगा, तो चारों साइड का जो नंबर है उसमें उसे हम आपस में ऐड कर लेंगे 7 + 3 + 2 + 1 और इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। चारों साइड के नंबर को ऐड करने के बाद उसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो चारों साइड 7 × 3 = 10, 2 = 12 = 13 तो 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 169। तो बीच का नंबर हमें मिल गया 169। उसी तरह तीनों में करना है, इसमें देखिए 5 + 3 + 2 + 1 और इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो 5 + 3 = 8, 8 + 2 = 10, 11 का स्क्वायर किया तो हमें मिल गया 121 जो कि। चार नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है हमारा, बीच में हमारा नंबर जो है बीच का 78 है और चारों साइड का नंबर है 3, 4, 5, 1 दूसरा फिगर है उसमें बीच का नंबर है हमारा 60 और साइड का नंबर है 3, 4, 2 और 1। इसी तरह तीसरे फिगर में हमें बीच का नंबर जो है फाइंड करना है, उसके जगह पे क्वेश्चन मार्क है और चारों साइड का नंबर है 8, 0, 8, 0, 2 और ऊपर का नंबर है 1। तो हम किस तरह से इसमें बीच का नंबर फाइंड करेंगे, तो हम देखेंगे कि चारों साइड के नंबर से किस तरह से 78 बन रहा है। तो पिछले क्वेश्चन तीन नंबर क्वेश्चन में हमने किया था, चारों को आपस में जोड़ करके उसका होल स्क्वायर कर दिया था तो हमें बीच का नंबर सिंपल रूप से मिल गया था। तो इसमें भी वैसा ही करके देखते हैं, अगर शायद मिल जाए, नहीं तो दूसरा ट्रिक हम अपनाएंगे। तो 3 + 4 + 5 + 1 को आपस में ऐड करेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे, 4 × 3 = 7, 5 = 12 = 13 तो 13 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 169 और बीच का नंबर है 78। तो ये जो है ट्रिक इस क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, इसके लिए हमें दूसरा ट्रिक अपनाना होगा। तो इसमें हम सिंपली देखिए, आप चारों संख्या को आपस में ऐड करेंगे 3 + 4 + 5 + 1 और इसमें हम 6 से गुना कर देंगे। तो देखिए 4 × 3 = 7, 5 = 12 = 13 13 में हम 6 से गुना करेंगे तो 13 × 6 = 78 तो हमें बीच का नंबर मिल गया। तो इसमें दूसरे में भी उसी तरह से दूसरे में भी हम करेंगे तो 4 + 3 + 2 + 1 और इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 3 = 7, 2 = 9 = 10 और 10 में हम 6 से गुना किए तो बीच का नंबर हमें मिल गया 60। तो इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन में हमें बीच का नंबर भी हम उसी तरह से फाइंड करेंगे तो 0 + 8 + 2 + 1 और इसमें हम 6 से गुना करेंगे तो जो क्वेश्चन मार्क है बीच का नंबर वो हमें मिल जाएगा। तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा और 8 × 2 = 10 = 11 = 11 हो गया और इसमें 6 से गुना किए तो बीच का नंबर जो हमें 66 क्वेश्चन मार्क के जगह पे जो आएगा नंबर वो हो जाएगा 66। चलिए पांच नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5, 3, 6, 18, 72, 360 और इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा नंबर आएगा, इसमें आप देखिए इसमें 3 का पहारा चल रहा है एक तरह से। 3 में 2 से गुना किए तो 6 आ गया, फिर 6 में 1 बढ़ाकर 3 से गुना किए तो 18 कि हमें इसमें गुना करते जाना है। पहले हमने 2 से गुना किया, उसके बाद हमने 3, 4 से गुना करेंगे तो 72 मिल जाएगा, फिर 1 बढ़ा करके हम 5 से गुना करेंगे 360 और 2 से किए, 3 से किए, 4 से किए, उसके बाद 5 से, तो उसके बाद सिंपली हम 6 से करेंगे
तो 360 में हम 6 से गुना करेंगे तो जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे जो नंबर आएगा वो हमें मिल जाएगा। तो 360 में जब हम 6 से गुना करेंगे तो 6 3 6 मिल गया हमें, x के जगह पे जो नंबर हुआ मिल गया 2160। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे नंबर जो मिलेगा वो हो जाएगा 2160। छ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छ नंबर क्वेश्चन है हमारा, 6 नंबर क्वेश्चन है 3 7 16 35 और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ठीक है। तो 3 से हम 7 कैसे प्राप्त करेंगे, तो 3 में हम सिंपल 2 से गुना करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 7 मिल जाएगा। फिर 7 में हम 2 से गुना करके पहले में +1 ऐड किया था, इसमें +2 ऐड कर देंगे तो मिल गया हमें 16। 7 2 14 + 2 16। फिर इसमें भी 2 से ही गुना करेंगे, एक एक बढ़ाते चले जाएंगे, पहले में 1 जोड़ा दूसरे में 2 जोड़ा तो इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो 16 2 32 + 3 35। तो सिंपल है, फिर हम 35 में 2 से गुना करके और इसमें 1 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो 35 में 2 से गुना करेंगे तो 70 और 70 में 4 जोड़ेंगे तो 4 70 4 74। तो 6 का आंसर हो गया 74। सेवन नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा गरिमा, GARIMA गरिमा जो है उसका है 925432। गरिमा इक्वल टू 925432। उसके बाद है टीना, TINA टीना बराबर है 6482 6482। तो मरीना बराबर क्या हो जाएगा, MARINA मरीना बराबर क्या हो जाएगा। काफी सिंपल है दोस्तों, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। इसमें आप देख लो जो जौन सा नंबर उसके उसके लिए एक विशेष तरह का नंबर दिया गया है, अंक दिया गया है, तो उसी के अनुसार हमें यहाँ पे पुट कर देना है। इसमें देख लीजिए एम के लिए कौन सा नंबर दिया हुआ है, पांचवें नंबर पे एम है तो एम के लिए जो है 3 दिया हुआ है, तो सिंपली हम एम के जगह पर 3 को पुट कर देंगे। और ए के जगह पर देख लीजिए, ए के जगह पर 2 दिया है तो 2 पुट कर देंगे, और आर के जगह पर 3 नंबर पे है तो 5 है तो 5 हो गया, और आई 4 नंबर पे तो उसके लिए 4 है, और एन है यहाँ पे तीसरे नंबर पे टीना में तो इसके जगह पे 8 है तो 8 पुट कर देंगे, और ए के लिए सिंपली हम 2 यहाँ पे है तो 2 पुट कर देंगे। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 32 54 82, मरीना इक्वल टू 32 54 82। आठ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन है हमारा 2 3 8 63 और क्वेश्चन मार्क, 2 3 8 63 और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हमें 2 से 3 फाइंड करना है, तो सिंपली हम 2 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 में से 1 गया तो हमें मिल गया 3। तो इसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और उसमें से 1 माइनस किए तो 8, और उसके बाद 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे तो 64 - 1 = 63। सभी का स्क्वायर करके उसमें से 1 माइनस करेंगे तो उसी तरह 63 का स्क्वायर करके उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क के जगह पे जो नंबर है वो हमें मिल जाएगा। तो 63 का स्क्वायर होता है दोस्तों 39 79 39 79 और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 39 78। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का 39 78। नौ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है इसमें नौ नंबर क्वेश्चन है हमारा इंस्टीट्यूशन, INSITIUTION इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन इक्वल्स टू दिया हुआ है NOITUITION
एस एन आई इंस्टीट्यूशन इक्वल्स टू दिया है एन ओ आई टी यू आई टी आई एस एन आई एस एन आई, तो परफेक्शन बराबर क्या होगा पी ई आर एफ ई सी टी आई ओ एन परफेक्शन, परफेक्शन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर की जगह पे क्या हो जाएगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंस्टीट्यूशन है इसका उल्टा कर दिया गया है पूरा, इसका यहाँ से उठा करके लिख दिया गया है पूरा, यहाँ से रिपीट कर दिया गया। तो इसमें भी सिंपली उसी तरह से हो जाएगा, परफेक्शन है तो यहाँ से इसको उल्टा लिख दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एन ओ आई टी सी ई एफ आर ई और पी, इसका आंसर हो गया ये, इसका उल्टा कर दिया गया है। दस नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, दस नंबर क्वेश्चन। इसमें जो है फिगर बनाया गया है और इसमें बीच का नंबर दिया है 33 और चारों साइड का नंबर है 4322 और दूसरा फिगर है इसमें बीच का नंबर है 5454 और चारों साइड का नंबर है 542 और ऊपर का नंबर है 3 और तीसरा फिगर है उसमें बीच का नंबर फाइंड करना है और चारों साइड का नंबर है 4356, इसमें बीच का नंबर हमको फाइंड करना है। तो ये काफी सिंपल है, इसमें हम चारों को जो है चारों का सेपरेट रूप से उसका होल स्क्वायर करेंगे और उसको आपस में ऐड करेंगे। जैसे देखिए 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको आपस में ऐड करके पूरे का होल स्क्वायर नहीं करना है, सेपरेट रूप से अलग अलग करना है। 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर और प्लस में फिर 2 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का हो गया 9, 2 का हो गया 4 और फिर 2 का हो गया 4। तो इसको जब आपस में ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 33 बीच का नंबर। फिर दूसरे में 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 3 है ऊपर, तो 3 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 हो गया, 25 हो गया और 9 हो गया। तो जब इस चारों को हम आपस में ऐड करेंगे तो बीच का नंबर जो है हमें 54 मिल जाएगा। तो उसी तरह से जो है तीसरे क्वेश्चन में, तीसरे फिगर में भी हमें उसी तरह से करना है। तीसरे फिगर में भी हमें सिंपली चारों को स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस हो गया हमारा 6 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का हो गया 16 और 5 का हो गया 25 और 6 का हो गया 36। जब इसमें आप सभी को ऐड करोगे 16, 9, 25 और 25, 25, 50 और 50 36 हो गया 86। तो इसमें बीच का नंबर जो है वो हो गया 86। तो 86 हमारा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।